Now, let's move on to this 13th problem. मैं 13th problem करवाता हूं. The power output of uranium 235 reactor. Uranium 92 235 reactor है. इसका power output निकालना है. Power आउटपुट मतलब कितना जूल्स पर सेकेंड यह एनर्जी रिलीज करेगा. इफ इट यूज अप 2 केजी ऑफ फ्यूल्स एंड इफ इट टेक्स 30 डेज टू यूज दिस एंड इफ पावर आउटपुट ऑफ यूरेनियम 235 रिएक्टर if it takes 30 days to use 2 kg of fuel and each fission gives 185 mega electron volt of usable energy. देखिए power output दिया जाता है watts में. This is always written in watt or joules per seconds. तो सबसे पहले हम माइनस dN by dt निकाल ले. माइनस dN by dt निकालने के लिए जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है वह निकाल ले, और एक एक डिसइंटीग्रेशन में हमें एनर्जी दे रखी है. तो माइनस dN by dt मैं सबसे पहले लिखता हूं, इट्स 2 किलोग्राम फ्यूल इज यूज इन 30 डेज. 2 किलोग्राम्स इन 30 डेज. अब मैं इसे कन्वर्ट करता हूं 2 × 10³ ग्राम्स इन डेज को कन्वर्ट करता हूं 30 × 24 आवर्स. अब मैं क्या करता हूं, दिस माइनस dN by dt इसे मैं डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देता हूं 2 × 10³ अपॉन 235 into Avogadro's number. This much disintegration of denominator को मैं seconds में convert कर देता हूं. 30 × 24 × 3600 seconds. यह डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड्स हो गया. दिस इज डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड. इतने रेट से डिसइंटीग्रेशन हो रहा है. अब एक एक डिसइंटीग्रेशन में 185 एनर्जी रिलीज हो रही है. एनर्जी रिलीज्ड डेल्टा ई पर डिसइंटीग्रेशन जो है 185 मेगा को कन्वर्ट करने के लिए 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करने के लिए 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल्स पर डिसइंटीग्रेशन. इस तरीके से रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड. अब मैं फाइनली पावर आउटपुट लिख देता हूं. पावर आउटपुट लिखा जाएगा एनर्जी रिलीज्ड पर डिसइंटीग्रेशन इनटू नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन 2 × 10³ इनटू 6.023 इनटू 10⁻²³ अपॉन 235 इनटू 30 इनटू 24 × 3600. This is disintegration per second into energy released per disintegration, that is 185 × 10⁶ into 1.6 × 10⁻¹⁹ joules per second. और इन वॉट.
this is the power output. यहाँ पावर आउटपुट होएगा. 17th प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा इसके बाद. देखिए, दिस वॉज द डेटा गिवन. यूरेनियम 235 रिएक्टर, इसमें 235 एटॉमिक वेट दे रखा है. 2 kg फ्यूल इस्तेमाल करते हैं 30 दिन में, और एक एक यूरेनियम के द्वारा 185 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलता है. पावर आउटपुट पूछा था, और पावर आउटपुट जो दिया जाता है वो हमेशा वाट में है, जूल्स पर सेकंड में. तो हमने माइनस जी एन बाई डी टी, किस रेट से हम फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 kg फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं 30 दिन में. 2 kg मीन्स 2 × 10⁻³ ग्राम्स, 30 डेज मीन्स 30 to 24 आवर्स. इस ग्राम्स को कन्वर्ट कर दिया ग्राम एटम्स में, और फिर उसको एटम्स में. इतने यूरेनियम के एटम्स कंज्यूम हो रहे हैं 30 दिन में. 30 दिन में मतलब 30 × 30 into 24 hours × 10⁻², इतने सेकेंड्स में इतने डिसइंटीग्रेशन हो रहे हैं. डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, एक एक डिसइंटीग्रेशन में जो एनर्जी रिलीज है, इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इन जूल्स, और इस तरह से पावर आउटपुट निकाल दिया. मैं इसी समय 17th प्रॉब्लम करवाऊंगा. मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं जिससे कि आपको यह समझ में आ जाए कि प्रॉब्लम में किस तरह से क्या डेटा दिया हुआ रहता है, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे उसका मतलब निकाला जाता है, और कैसे छोटे छोटे ऑपरेशन करके फाइनली आंसर लिखा जाता है. 17th प्रॉब्लम भी इलस्ट्रेशन के लिए नो डाउन कीजिए. अ सैंपल ऑफ वुडन एयरक्राफ्ट इज फाउंड टू अंडरगो. एक वुडन एयरक्राफ्ट है, उसमें डिसइंटीग्रेशन चल रहा है, और 9 dpm, 9 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम हमें दिख रहा है ऑफ C14. दिस ओवर कार्बन डेटिंग. व्हाट इज एप्रोक्सीमेट एज ऑफ एयरक्राफ्ट, उसकी एज पूछी गई है, उस एयरक्राफ्ट की एज पूछी गई है. हाफ लाइफ ऑफ C14 इज, हाफ लाइफ दे रखी है 5730 ईयर्स. एंड द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ वुड रिसेंटली कट डाउन इज -dN/dt0 इज 15 dpm पर ग्राम. जो फ्रेश वुड है उसमें यह एक्टिविटी है, और जो ओल्ड वुड है उसमें यह एक्टिविटी है. हम अच्छी तरह से जानते हैं -dN/dt0 / -dN/dt, दिस इज N0/N एंड दिस इज 15/9. हम यह बात अच्छी तरह से जानते हैं, और फिर हम कहते हैं एज इज 2.303 upon lambda into log of N0/N. मैं यह एक्सप्रेशन लगाऊंगा, और इस एक्सप्रेशन को लगाने के लिए मैं लैम्डा की वैल्यू 2.303 तो ऐसा कैसे ही लिखूंगा, लैम्डा की वैल्यू लिखूंगा 0.693 upon यह जो ईयर्स में देखा है 5730 into log of 15/9 and this would be the answer in years. इस एक्सप्रेशन को अप्लाई कर दूंगा. नाउ यू नीड टू सॉल्व इट इन ऑर्डर टू गेट द आंसर. दिस इज द एक्टिविटी of radioactive carbon in that old wood obtained from the aircraft. जो बहुत पुराना एयरक्राफ्ट कहीं से मिला, यह देखा गया कि सबसे पहली बार उड़ने की कोशिश किसी ने करी होगी कितने समय पहले, तो उस ओल्ड एयरक्राफ्ट जो मिला उसमें कार्बन की यह एक्टिविटी दिखाई दी. हमको यह निकालना है कितना पुराना वह एयरक्राफ्ट है. हाफ लाइफ C14 की दे रखी है. इस हाफ लाइफ से हमें डी के कॉन्स्टेंट मिल जाता है. This half life is in fact equal to 0.693 upon dk constant. तो इससे dk constant मिल जाता है 0.693 upon half life. और इससे जो भी कुछ, since half life is given in years, तो जो dk constant आएगा that would be in, जो dk constant आएगा 0.693 upon 5730, यह पर ईयर में होगा. और इससे हमने
activity in fresh wood upon activity in old wood is equal to n naught by n, और इससे हमने यह निकाल लिया, एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया और हमें एज ऑफ वुडन एयरक्राफ्ट मिल जाती है. दिस प्रॉब्लम इज ओवर द कंसेप्ट ऑफ कार्बन डेटिंग. दोनों प्रॉब्लम को बड़े ध्यान से देखिए, पावर आउटपुट निकालना और कार्बन डेटिंग का कंसेप्ट लगाना. 9, 10 और 21 करूंगा इसके बाद, प्लीज इसे नोट डाउन कीजिए. नाउ लेट्स सॉल्व दिस 9, 10 प्रॉब्लम. यूरेनियम मिनरल कंटेन यूरेनियम 238 एंड लेड 206. नाउ दिस इज ओवर द कंसेप्ट ऑफ यूरेनियम डेटिंग. इन द रेशियो ऑफ 4:1 4 ग्राम इज टू 1 ग्राम, दिस इज बाय वेट रेशियो. कैलकुलेट एज ऑफ मिनरल, एज ऑफ मिनरल पूछा हुआ है. हाफ लाइफ इज गिवन टू बी 4.5 × 10⁻¹ ईयर्स. एज्यूम ऑल द लेड प्रेजेंट इन द फॉर्म प्रेजेंट इन द मिनरल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरेनियम 238. नाउ यह बिल्कुल इस सिचुएशन को मैं समझा चुका हूं और उसी को अब प्रॉब्लम के द्वारा इलस्ट्रेट कर रहा हूं. हाफ लाइफ दे रखी है तो इधर से डीके कांस्टेंट पता लग जाएगा 0.693 अपॉन हाफ लाइफ. सो डीके कांस्टेंट इज 0.693 अपॉन 4.5 × 10⁻¹ पर ईयर. यह डीके कांस्टेंट हो गया. अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो ग्राम में जो रेशियो दे रखा है किसी काम का नहीं है. हम इसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, 4/238 मोल्स और इसके 1/206 मोल्स. यह मोलर रेशियो हो गया और एटॉमिक रेशियो हो गया. तो अब हम कहेंगे n naught upon n, जो लिखा जाएगा n naught होगा 4/238 प्लस 1/206 और n होगा 4/238 और हम कहेंगे एज ऑफ वुड इज 2.303 अपॉन लैम्डा लॉग ऑफ n नॉट बाय n. तो एज ऑफ वुड लिख दिया जाएगा t इज इक्वल टू 2.303 और लैम्डा लिखा जाएगा 0.693 अपॉन 4.5 × 10⁻¹ इंटू लॉग ऑफ एन नॉट की जगह हम लिखेंगे 4/238 प्लस 1/206 और एन की जगह लिखेंगे 4/238 एंड दिस वुड बी द आंसर इन ईयर्स. वी हैड अप्लाइड द कंसेप्ट ऑफ यूरेनियम डेटिंग और यूरेनियम डेटिंग का कंसेप्ट अप्लाई करके हमने एज ऑफ मिनरल डिटरमाइन करा है. यूरेनियम के आज के समय नंबर ऑफ मोल्स और ओरिजिनली यूरेनियम के नंबर ऑफ मोल्स रहे होंगे जो आज हैं प्लस जो आज लेड के हैं वो भी पहले यूरेनियम के रहे होंगे और फिर वही कंसेप्ट हमने लगा दिया. इन सब को सॉल्व करने के लिए हमें कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ेगी. कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिए, आंसर लाकर चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए और जब आंसर आ जाए तब मानना कि आपको समझ में आ चुका है. अब 21st, व्हाट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑफ 6 MeV टू गोल्ड न्यूक्लियस. गोल्ड न्यूक्लियस यह एक अल्फा पार्टिकल है, प्लस 2 चार्ज है और यह गोल्ड न्यूक्लियस के पास में जा रहा है. गोल्ड न्यूक्लियस जिसके पास प्लस 79 का चार्ज है. व्हाट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, इसके पास जो
काइनेटिक एनर्जी है वह 6 MeV, तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। अब क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच के लिए हम सिंपल सी कहेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 MV² इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 1/4 πε₀ Q1 Q2 r। दिस r इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को 6 MeV लिख देता हूं, 6 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1/4 πε₀ को 9 × 10⁹, Q1 की जगह पर 79 × 1.6 × 10⁻¹⁹, Q2 की जगह पर 2E लिख देता, 2E/r। दिस इज मिनिमम द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब E जूल्स हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E जूल्स कैंसिल्ड हो जाएगा और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम वुड बी 9 × 10⁹ × 79 × 1.6 × 10⁻¹⁹ × 2 अपॉन दिस इज 6 × 10⁶ दिस मच मीटर्स, 6 × 10⁶ दिस मच मीटर्स। This is the closest distance of approach. यह सारे illustrative problems करवाने की बात पहले से note down कीजिए। अब मैं कुछ 3-4 अच्छी situations, एक अच्छे level के problems कराता हूं, उसके बाद मैं discussion continue कर दूंगा। जो मैं सबसे आखिरी में कराने का सोच रहा था वो थोड़ा पहले करा देता हूँ। 3 अलग अलग सिचुएशंस होती हैं रेडियो एक्टिविटी की, पैरेलल डी की और सीरीज जी के से रिलेटेड। मैं पहले वह सिचुएशन डिस्क्राइब करूंगा, आपको कुछ समय दूंगा और फिर उनको समझाना चालू करूंगा। पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और फिर मैं वह प्रॉब्लम, वह सिचुएशन बताता हूँ और उसके फाइनल रिजल्ट और क्या क्या चीजें मेमोराइज करनी होती है वह बताता हूँ। पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। चलिए, इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स जो मैंने कराए इसके बाद में मैं न्यूक्लियस की थ्योरी को पूरी अब कंप्लीट कर ही देता हूं। मैं जो सोचा था कि पहले डाउट सॉल्व करा लूं, डाउट्स के लिए और समय लेना, आप मैं 2-3 अलग अलग जो स्पेशल सिचुएशन स्पेशल केसेस है उनको समझाता हूं। और देखिए सिचुएशन मैं कुछ समय पहले आपको भी दूंगा सॉल्व करने के लिए। ए इज अ अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, ए इज अ अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एंड इट अंडरगो 2 पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर डीके एंड गिव्स यू बी एंड सी। ए एक अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है और यह 2 पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर डीके देता है, अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई ए गिव्स 2 पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर डीके। अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्ली ए गिव्स 2 पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर डीके टू गिव यू बी एंड सी। ए का ए गिविंग यू बी, इट्स डीके कांस्टेंट इज λ₁ एंड हाफ लाइफ इज T₁। ए गिविंग यू बी, यह जो पहला पाथ है इट्स डीके कांस्टेंट इज λ₁ एंड हाफ लाइफ इज T₁। ए गिविंग यू सी, इसका डीके कांस्टेंट है λ₂ एंड हाफ लाइफ इज T₂। दिस आर द डीके कांस्टेंट ऑफ द 2 पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर डीके, दोनों एक साथ हो रहा है।
जैसे ए अल्फा पार्टिकल निकालता है, एमिट करता है और बी देता है, साइमल्टेनियसली ये बीटा पार्टिकल भी एमिट कर सकता है और सी दे सकता है। अब इनिशियली हम यह बात भी कह देते हैं, इनिशियली व्हेन टी इज जीरो, ए एट जीरो टाइम इज एन नॉट, व्हाइल बी एट जीरो टाइम इज जीरो एंड सो इज द सी। बी और सी इनिशियली जीरो और ए कुछ फाइनाइट अमाउंट में एन नॉट है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज ए आफ्टर टाइम टी, व्हाट इज बी आफ्टर टाइम टी, व्हाट इज सी आफ्टर टाइम टी, ऑल्सो प्लॉट फॉर ए बी सी वर्सेस टाइम, व्हाट इज बी बाय सी एट एनी टाइम। मतलब इस पूरे प्रोसेस को ही एनालाइज करना है। इनिशियली यदि ए की वैल्यू एन नॉट है, देन व्हाट इज ए आफ्टर एनी टाइम, किसी भी इंस्टेंट पर ए कितना होगा, बी कितना होगा, सी कितना होगा। बी और सी इनिशियली जीरो है, सैंपल में इनिशियली सिर्फ ए लिया गया है और सैंपल में जो इनिशियली ए लिया गया था दैट इज ए नॉट एन नॉट। तो यह पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर डीके से कुछ समय के बाद ए बी और सी कितना होगा। मैं सबसे पहले आपको कुछ समय देता हूं इस बात को सोचने के लिए और आपको सॉल्व करने के लिए। मैं समझाना चालू करूंगा लगभग 5 मिनट या 10 मिनट के बाद। पहले आप सोचिए, इनिशियली ए की वैल्यू एन नॉट है, इनिशियली बी और सी जीरो है। ए फर्स्ट ऑर्डर डी के दे रहा है, हम फाइनली कंक्लूड करेंगे कि यह फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस ही है, तो उसका इफेक्टिव डी के कॉन्स्टेंट कितना होगा यह भी बताना है और इफेक्टिव हाफ लाइफ कितनी होगी, कैसी होगी यह भी बताना। कुछ समय के बाद इस प्रोसेस जब ए पैरेलली बी और सी दोनों दे रहा है, तो कुछ समय के बाद ए कितना रह जाएगा, बी कितना बन जाएगा, सी कितना बन जाएगा। जो फर्स्ट पाथ है उसका डीके कांस्टेंट है लैम्डा 1, जो सेकंड पाथ है उसका डीके कांस्टेंट है लैम्डा 2। ऐसी कंडीशन में बी और सी का रेशो किसी भी समय पर क्या होगा और फिर सारे ग्राफ्स को प्लॉट करना। प्लीज थिंक अबाउट द प्रॉब्लम फॉर 5 मिनट्स एंड देन आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग दिस प्रॉब्लम। बड़े ध्यान से एक बार सोच लीजिए।